डेट एंड टाइम कैलकुलेशन आज हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल की क्लासेस में, ये डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन कैसे हैंडल की जाती है। सबसे पहले बात करेंगे एंटर डे। एक्सेल के अंदर में एक टुडे का फॉर्मूला है जो कि आप करेंट सिस्टम डेट को ला सकते हैं और हर दिन चेंज होगा। जैसे आज 2 तारीख है तो कल 3 तारीख, परसों 4 तारीख होगा। दूसरा हमारे पास नाउ का फॉर्मूला है। नाउ क्या करता है कि आपको एक जो डेट एंड टाइम दोनों देता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि डेट का फॉर्मेट। देखिए मेरा सिस्टम डेट आप देखेंगे तो है DDMMYY, मतलब पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। तो अगर मैं यहाँ आज का डेट डालूं तो 2/1 और करेंट ईयर है इसलिए 2023 डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन 22 डालूंगा या 24 डालूंगा तो डालने की जरूरत पड़ेगी और एंटर प्रेस करते ही डेट आ जाता है। लेकिन यही सेम आपके सिस्टम पे खुलेगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 1 फरवरी, क्योंकि ऐसे जैसे आपने 2 डाला तो मंथ लेगा, /1 डाला तो आपका डेट लेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि कभी भी डेट किसी को भेजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी डेट में, तो डेट फॉर्मूले के अंदर भेज दें 2000, यहाँ पे 2023/1/2 और आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि 2/1/2023 अभी किसी भी डेट फॉर्मेट पे जाएगा तो सेम डेट कहलाएगा। ओके सर, अब ठीक इसमें एक चीज और भी आती है कि फिर हम डेट डालेंगे फिर कैसे डालेंगे। तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट करने के फॉर्मूले होते हैं। जैसे ईयर का फॉर्मूला है जो कि किसी डेट से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर देता है, मंथ का फॉर्मूला है जो किसी भी डेट से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर देता है, और हमारे पास डे का फॉर्मूला है जो किसी भी डेट से डे को एक्सट्रैक्ट कर देता है, और फिर डेट के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, अब बात आती है कि हम डेट को ऐड कैसे करें। जैसे आज ही के डेट ले लिया हमने यहाँ पे, और मुझे इसमें मान लीजिए 25 दिन जोड़ने हैं। 25 दिन जोड़ने हैं, कैसे जोड़ें? तो 25 दिन जोड़ने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम डेट के अंदर इसको प्लस कर देंगे, तो 25 दिन जुड़ के आ जाएगा। हमें क्या करना है, जस्ट प्लस कर देना है। ठीक है सर, फिर आती है, फिर बात यहाँ पे आता है कि किसी भी डेट के अंदर हम मंथ कैसे प्लस करेंगे, किसी भी डेट के अंदर मंथ को कैसे प्लस करना है। क्या हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3, 30 कर दें? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। समझे, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ई डेट। ई डेट फॉर्मूला किसी भी डेट में मंथ को जोड़ देता है। तो यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करें मंथ को, एंटर प्रेस करें, तो इस तरह के नंबर में आएगा सर। तो नंबर में जब आ रहा है तो इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए, मतलब कि डेट का दे दीजिए, तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे माइनस करने होंगे तो 3 को माइनस में दे दीजिए तो माइनस हो जाएगा, प्लस में दीजिएगा प्लस हो जाएगा। इसमें ये देखिएगा हमेशा डेट जो है ना वो सेम रहेगा। जैसे 2/1 में हम 2 महीना जा रहे हैं तो 2 तारीख फिक्स रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं सर अगर मान लीजिए कि 1 से 31 का है तो हमारा महीना कंप्लीट तो 31 को हो रहा है ना, 1 को थोड़ी हो रहा है। तो उस केस में आप यहाँ पे एक एक दिन माइनस कर दीजिएगा। ओके, ये चीज आप कर सकते हैं। अब बारी आती है कि किसी पर्टिकुलर डेट में एक पीरियड ऐड करना है, जैसे कि 2 साल 4 महीने 22 दिन, एक ऐसे ऐड करें। तो इसके लिए जो हम आपको अभी डेट का फॉर्मूला यहाँ बताए थे, डेट का फॉर्मूला, और हम डे मंथ ईयर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर्मूला डेट का,
और इसमें से ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे और हम डेट में से ईयर जो 2023 है उसको अलग करके उसमें प्लस टू कर देंगे। फिर कॉमा मंथ का फॉर्मूला लेंगे, इसमें से मंथ एक है उसको एक्सट्रैक्ट करके इसमें प्लस फोर कर देंगे। और फिर इसमें से डे का फॉर्मूला लगा के डे जो दो है उसमें हम 22 दिन जोड़ देंगे। अब 2, 4 और 22 जो हमने मैनुअली लिखा है, अब सेल के साथ रेफरेंस भी कर सकते थे। आप देखेंगे कि आपके सामने एक डेट आएगा जो कि नंबर फॉर्मेट में है, इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए, एक डेट बन जाएगा। अब ठीक है डेट डेट एडिशन के बाद हम बात करते हैं डेट डिफरेंस। दो डेट डेट के बीच में हम डिफरेंस निकालना सीखेंगे, ठीक है। ठीक जैसे 1 जनवरी 2022 और आज का डेट है, इनके बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, ठीक है, कितने दिन का डिफरेंस है। तो इसको लगाने का दो फॉर्मूले है। पहला है तरीका कि आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दें तो आपको 366 दिन निकल के आ गया। ठीक लेकिन एक और फॉर्मूला इनबिल्ट का फॉर्मूला है जिसमें हम लगाते हैं डेज का फॉर्मूला। डेज उसमें भी आप एंड डेट और स्टार्ट डेट कर दें तो आ जाएगा। एक और फॉर्मूला आता है, वो है डेज 360। डेज 360 भी दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालती है, लेकिन ये जो है वही साल को 360 दिन समझती है, न कि 365 दिन। तो यहाँ देखेंगे कि आपका कम आएगा, 361 ही आया ना सर, 5 दिन कम आया। फिर 5 दिन कम आपको देता है, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं दो डेट के बीच के अंदर मुझे चाहिए सैटरडे एंड संडे नहीं, मतलब कि नेटवर्क डेज चाहिए, तो हमारे पास नेटवर्क डेज का फॉर्मूला है जो कि आप लगा सकते हैं स्टार्ट डेट एंड डेट एंड कोई हॉलीडे लिस्ट हुआ तो उसको भी सिलेक्ट कर ले। हॉलीडे लिस्ट मतलब सैटरडे एंड संडे के अलावा, जैसे होता है ना छुट्टी 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे छुट्टियों को आप ले सकते हैं। एंड पे प्रेस करेंगे कि आपके सामने 2023 क्या बोलते हैं 261 दिन आ जाएंगे। इसमें एक चीज और होती है कि मुझे सैटरडे संडे, क्योंकि मेरी ऑफिस सैटरडे संडे ऑफ नहीं होती, मेरी ऑफिस जो ऑफ होती है वो होती है संडे संडे या कोई और दिन में। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला नेटवर्क डेज डॉट आईएनटीएल स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और हम यहाँ पे अपना वीकेंड सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा दिन छुट्टी होती है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए संडे, संडे टू मंडे, संडे मंडे है, सैटरडे संडे संडे मंडे, ऐसे करते करते आइएगा 11 ओनली, मतलब कि संडे ओनली सिलेक्ट किया। और हॉलीडे लिस्ट जो कि सैटरडे संडे के अलावा जो छुट्टियां होती है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। पूरे साल का आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एंटर प्रेस कीजिए, 314 दिन आ गया। तो हम 2 दिन के डिफरेंस, 2 दिनों के डिफरेंस में नेटवर्क डेज और इसका यूज कर सकते हैं, समझ गए। इसमें एक चीज और आती है, जैसे आज हमने बैंक को एक काम दिया, बैंक ने बोला कि आपको 22 दिन लग जाएंगे, 22 वर्किंग डेज। तो 22 वर्किंग डेज के बाद कौन सा डेट आएगा, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला वर्क डे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और होलीडे लिस्ट। तो इसमें आपको क्या होगा कि डेट आ जाएगा यहाँ पे, डेट नंबर में आया, कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए, डेट आ जाएगा। देखिए सैटरडे एंड संडे को इग्नोर कर देता है, लेकिन सेम सेम बात है कि भाई हो सकता है कि हमारा छुट्टी सैटरडे संडे ना हो, संडे सिर्फ हो या फ्राइडे सिर्फ हो या कोई और दिन भी हो। तो जैसे हमने नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल लगाया है, ऐसे यहाँ लगाएंगे वर्क डे डॉट आई एन टी एल। इसमें हम स्टार्ट डेट
कॉमा नंबर ऑफ डेज डालते हैं। इसके बाद वीकेंड्स को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा वीकेंड्स है, तो संडे एंड हॉलीडे लिस्ट। एंटर प्रेस किया और कंट्रोल शिफ्ट हैश किया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गई डेट की डिफरेंस निकाल ले। क्या चलिए कुछ मिसलेनियस डेट फॉर्मूले को बारे में जान जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हम कोई डेट लिखे हुए हैं, अब उस डेट के अंदर मुझे चाहिए कि कौन सा दिन, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और इसमें डी 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 3 बार डी लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो 4 बार डी लगा देंगे तो पूरा नेम आएगा, राइट। लेकिन मुझे नंबर में चाहिए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला वर्क, इसमें वीक डे फॉर्मूला, हमने लिया स्टार्ट डेट और डेट लिया CR। यहाँ पे आपको देना होता है कि आपका वीक स्टार्ट कब से हो रहा है, संडे से या मंडे से या कोई और दिन से। तो हमने कहा नहीं, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने दे लिया मंडे को 1, ट्यूजडे को 2, इस तरह से नंबर में आएगा। तो हमने 2 कर दिया एंड ओके, तो देखिए 4 आ गया। ऐसे हमारे पास होता है वीक नम, वीक नम या आईएसओ वीक नम दोनों एक ही होता है। ये क्या करता है, ये बताता है साल का कौन सा वीक है, ठीक है। 2022 साल का 49वां वीक था, 50वां, 51वां, इस तरह से पूरे साल के अकॉर्डिंग आता है, तो वीक डे बताता है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आती है कि मुझे अगर किसी भी डेट का लास्ट डेट पता करना हो, जैसे कि आज की डेट डाल दी, मुझे पता करना है कि इसका लास्ट डेट क्या है, क्या लेंगे, ईओ मंथ। ईओ मंथ किसी भी डेट का लास्ट डेट का दिखाता है, 0 दे दीजिए तो उसमें उसी महीने की लास्ट डेट, 1 दीजिएगा तो अगले महीने, 2 दीजिएगा तो उसके अगले महीने, तो माइनस भी कीजिएगा उसके पिछले महीने। जैसे यहाँ मेरे पास जनवरी है, मुझे स्टार्ट डेट एंड डेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले स्टार्ट डेट निकालेंगे। अब जैन क्या है, जैन टेक्स्ट में है, तो हम कॉन्केट की मदद लेंगे कि 1 एन परसेंट, हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर एन परसेंट 2023, ठीक है। और फिर यहाँ ईओ मंथ लगा दिया, ईओ मंथ के अंदर हमने इसको सिलेक्ट किया यानी कॉमा, हमने 0 कर दिया, 0 रिमार्क कीजिएगा, हाँ 0 कर दिया, तो यहाँ पे आपके सामने आ गया। ओके, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 2022 नहीं था। ओके सर, ठीक क्लियर है। और कभी कभी क्या होता है कि हम डेट को ये लग देते हैं, टेक्स्ट में लिख देते हैं, जैसे 1-Jan इस तरह से लिख दिया, तो हमारे पास डेट वैल्यू का फॉर्मूला है जिसको डेट में कन्वर्ट करना है। डेट वैल्यू क्या करता है, टेक्स्ट को डेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद एक चीज और भी है, जैसे मुझे एक काम दिया गया था 1-1-2022 को, ठीक है, इसको मैंने ठीक 8 अगस्त को, मैंने 8 अगस्त 2022 को मैंने कर दिया कंप्लीट, ठीक है। तो सालाना मेरा 5 लाख की बिलिंग थी, तो मैं कितना अमाउंट को ये करूं, बिल करूं, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला ईयर फ्रीक्वेंसी का। क्या लगाएंगे, ईयर फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट डाल के एंटर मारते हैं, तो देखिए 58% आ गया, समझे। ठीक आ गया ना सर, तो इस दो डेट के बीच का हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना। अब बात करते हैं टाइम,
टाइम फॉर्मूला कोई खास नहीं है। सबसे पहले तो अगर नाव का टाइम के लिए भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो नाव फॉर्मूला लगाते हैं तो नाव आता है। इसमें आप आवर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आवर अलग आ जाएगा, मिनट का फॉर्मूला लगाएंगे तो मिनट अलग हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो सेकेंड अलग हो जाएगा। तो सीक्वेंस आ गया। और फिर टाइम फॉर्मूले की मदद से आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे डेट फॉर्मूला था ना, ऐसे टाइम कि आवर मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, आवर मिनट सेकेंड, क्लियर सर? हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं डेट डिफरेंस को, टाइम डिफरेंस को, सॉरी टाइम की डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइम डिफरेंस निकालने के लिए सुबह का टाइम रख दिया मैंने, और मैं ऑफिस में गया, ऑफिस से आया शाम को 6 बजे, तो इनके बीच में कितना देर हुआ हमारा। तो अब ऑफिस का शाम डाला है तो मुझे पीएम डालना होगा, क्योंकि मैंने पीएम नहीं डाला है इसमें, इसलिए मॉर्निंग में एएम ले लिया है इसमें। अब मुझे बस दोनों के बीच में माइनस कर देना है, सिंपल। ठीक है सर? तो टाइम डिफरेंस भी कोई खास नहीं है। मिसलेस टाइम में होता है कि आप जो है आवर की फॉर्मूला बताइए मैंने, इसमें कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का टाइम होता है 37-20 मिनट का, उसमें आवर निकालना है तो गलत हो जाएगा, ये देखिए 13 दिखा रहा है ना सर। तो उस केस में टेक्स फॉर्मूला में बड़ी ब्रैकेट में आप एच को लेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे आप टेक्स फॉर्मूला के अंदर अगर एम मिनट में कन्वर्ट करना है तो एम करेंगे तो टाइम आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेट एंड टाइम के ऊपर कीजिए प्रैक्टिस, कल की क्लास में हम आपके साथ इससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।